वालेकुम अंकल, सैवरेज का निज़ाम कितने दिन से ख़राब है आपका? सैवरेज का निज़ाम तकरीबन 15 दिन से ख़राब है और कोई यहाँ का परेशान हाल नहीं है। और हत्ता के मस्जिदों में और यहाँ जो मदरसा है और मस्जिद है यहाँ बराबर में आस्थाना है सभी बाबा का, यहाँ पर लोग पाक साफ हो के आते हैं, वो भी नापाक हो के अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हैं, मजबूर हैं गंदे पानी में से WC के पानी में से गुजर गए। लेकिन हमारे यहाँ जो MP हैं जनाब नासिर हुसैन साहब, इंतहाई मुखलिस आदमी हैं, घर से उनका ये काम नहीं बनता कि वो नाले की सफाई करवाएं, उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन कतई नहीं है, लेकिन सिर्फ वो इलाके से मोहब्बत रखने की बिना पर ये अपना काम कर रहे हैं और इंतहाई मुखलिस आदमी हैं और लोग उनसे नाखुश हैं सिर्फ इसी वजह से कि वो हक परस्त आवाम का साथ दे रहे हैं, मजलूम आवाम के मसाइल हल कर रहे हैं। एक गरीब आदमी और एक मुतवस्सित तबका जो होता है उसके सिर्फ छोटे मोटे मसाइल होते हैं, गटर के मसले होते हैं, खाने के मसले होते हैं, बिजली के बिलों के मसले होते हैं। तो ये शख्स बेचारा, इसको काम का जुनून है और ये लोगों की परवाह किए बगैर, मुखालफिन की परवाह किए बगैर हर काम में, हत्ता कि ये गंदे पानी में भी उतर जाते हैं, जो इनकी शायन शान नहीं है। एक MPA की ये शायन शान नहीं है कि वो गटर में उतर जाए और छोटे छोटे मसलों में इंटरफेयर करे, लेकिन ये सिर्फ इसी वजह से कि लोगों ने इन पर एतमाद का इजहार किया था और लोगों ने इस उम्मीद पर इनको वोट दिया था कि ये काम करेंगे। तो नासिर हुसैन साहब अल्हम्दुलिल्लाह 100% यहाँ की आवाम की जो तवक्कोआत हैं उसको पूरा उतर रहे हैं। तो दुआ है अल्लाह ताला इनको और हिम्मत दे और आने वाले इलेक्शन में भी अल्हम्दुलिल्लाह तमाम आवाम जो हकपरस्त आवाम है वो इनके साथ है और इनके साथ भरपूर ताउन का इजहार करेगी इंशाल्लाह। थैंक यू।